Learn to take charge of your life and master your inner world with the Journey Within podcast, Clips, with me, Shobha Rana. Don't miss to press the subscribe button and hit the bell icon to stay updated. You spoke about the power of giving back. हाँ. ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले चीजें सोच रही थी कि वी कीप ऑन चेजिंग हैप्पीनेस राइट वी कीप लुकिंग फॉर हैप्पीनेस एंड इन दैट क्वेस्ट वी फॉरगेट दैट वी कैन ऑल्सो क्रिएट इट. अगर सभी लोग ढूंढ रहे हैं तो किसी ना किसी को तो क्रिएट करना पड़ेगा ना. हाँ. तो और ये हम भूल जाते हैं कि क्रिएट करने की पावर हर किसी इंसान के पास है अपने अपने लेवल पे. और कई बार आप ये भी या हम इसको अंडर एस्टिमेट या अंडर रेट करते हैं कि कई बार किसी को खुश करने में भी खुशी है. आप किसी के लिए चार कदम एक्स्ट्रा चल रहे हैं. मैंने कई बार जैसे मैंने वैलेंटाइंस डे पे ऐसे कई मुझे रिक्वेस्ट है कि सर आप हमारे लिए कविता लिखिए या फलाने को कविता देनी है, तो मैंने उसमें बहुत ही एडेड इमोशंस के साथ उनको बना के भेजिए. और वो जब रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ कि सर आपने आपने हमारे लिए कर दिया, और सामने वाले की आंखों में तो आंसू निकल आए, सामने वाले ने ये कर दिया, जबकि उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि कोई जेनरिक कविता लिख के भेजे, पर मैंने उनसे डिटेल्स लेके कि सामने वाला इंसान कैसा है कस्टमाइज कुछ बना के भेजा. मैंने लोग पागल हो गए तब मुझे. और इवन ऑन माई पोएट्रीज जब मैं कहीं परफॉर्म करता हूँ किसी के लिए करता हूँ तो लोग कहते हैं सर हमने ये वाला सुना. जैसे हमने एक पापा पे किया था तो कि यू नो हाउ आई मिस माई फादर, हाउ माई फादर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, वो एक कहानी है पूरी टेडएक्स की. सो मुझे मेरे इंदौर के शो के बाद एक लड़का आया, उन्होंने बोला कि आई लॉस्ट माई मॉम लाइक अराउंड 6 years बैक. और कहीं ना कहीं वो ये मानता था कि जिम्मेदार कहीं ना कहीं पिताजी उनकी इग्नोरेंस है. उन्हें हम में बिल्कुल पेइंग गेस्ट वाला रिलेशन था कि हम घर पे दो लोग ऐसे मिलते हैं वैसे मिलते थे. और एक दिन मैंने YouTube पे मतलब टीवी पर आपकी टेक टॉक लाके रखी थी, दैट वाज अबाउट माय डैड. और हमने बोले बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ दोनों ने देखी. एंड फाइनली आफ्टर 6 years द फादर एंड सन हग्ड ईच अदर. और वो लड़के की आंख में आंसू थे बताते वक्त कि यार सर आपकी वो कहानी सुनने के बाद हमने गले से लगा और हम बहुत रोए. और उसके बाद हमने फिर हमने खाना वाना बनाया साथ में हमने हमारे पिताजी ने. तो मुझे लगा कि नहीं यार कहाँ हम खुशी ढूंढ रहे हैं. हम कई बार लोगों को खुश करने में भी तो गजब की खुशी है. आपको भी नहीं पता कि आप किसकी जिंदगी में चार दो या तीन अच्छी चीज करके आप उसको कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो. आखिरकार सब लोग एक आराम ही तो ढूंढ रहे हैं. हम में से हर कोई हर रोज घर से निकलता है इस उम्मीद में कि कोई ना कोई हमें संभाल लेगा. आप संभाले किसी को, किसी दिन कोई आपको संभालेगा. मुझे लगता है जिंदगी में अगर मैं इस अप्रोच से जाएं कि जिस दिन मेरे पास इतना होगा उस दिन मैं गिव बैक करना शुरू करूंगी, या जिस दिन मेरे पास ये पोजीशन होगी तब मैं शायद दे पाऊंगी, तब मैं किसी की मदद करूंगी. लेकिन आपके पास हर वक्त वो मौका होता है जिंदगी के जिस भी मुकाम पे आप हो, जितनी आपकी जेब हो. नियत बहुत बड़ी चीज है. हाँ, आप मुस्कुरा कर मिली ना लोगों से. मैं देखता हूँ कि जैसे लिफ्ट बंद होती है लोगों के फोन चालू हो जाते हैं. मैं वो कभी नहीं करता. मैं आसपास लोगों को देखता हूँ, मैं कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर दूंगा कि आई कैन नॉट बी इन दैट वैक्यूम कि यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है. तो मैं जब उबर ऑटो में भी कहीं पे ओला में बैठ जाऊँ तो फोन नीचे फेंक दूंगा, भैया कहाँ से हैं. तो भैया उन्हें एक घंटे बाद आने की यार हमसे किसी ने ऐसे बात नहीं की, हमसे किसी ने नहीं पूछा. बहुत बातें करती हूँ मैं अपने कैब ड्राइवर. कई बार लोगों को बस बोलना होता, कई बार लोगों को लगता है कि यार हमें कोई सुन ले, कम से कम इतना तो आप कर ही सकते. और उनके पास इतनी बढ़िया कहानियां होती है सुनाने के लिए अगर आप उनसे बात करो. मैं कई बार होटल में जाता हूँ तो अगर कुछ रूम सर्विस से बुला लिया तो मैं वेलकम करता हूँ, आइए 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 आप ही का इंतजार कर रहे थे. सो मैंने किसी को कभी ऐसे टिप नहीं दी, पर वो जाते जाते मुझे पूछे सर आप जा रहे हैं, हमसे किसी ने ऐसी इज्जत से बात नहीं. इतना तो आप दे ही कर सकते हैं ना, दीजिए. हमें जो जिंदगी में इज्जत मिलती है वो क्या पता हमारी कई सारी कमाई हुई इज्जत है. बहुत सालों आप जो करते हैं वो 10x में मल्टीप्लाई होके आता है आपके पास. आपने जाने कितनों को संभाला, हंसा दिया है. वो कहते हैं ना कि हम मंदिर के चक्कर भी काटते हैं कई लोग, वो इसलिए होता है कई बार आपकी जिंदगी के चक्कर कम हो जाते हैं. तो आप जितना आप चाहते हैं लोग आपको प्यार करें, उठाएं, मदद करें, उतना आप संभालें लोगों को. आपको कौन आके संभाल लेगा आपको भी नहीं पता. करेक्ट. और ये बहुत लीनियर नहीं होता है कि जहाँ पे आप दोगे वहीं से वापस आएगा. नहीं, आ किसी भी तरफ से सकता है. हाँ, लोग ये फिलॉसफी चलते हैं कि यार हमने प्यासे को पानी पिलाया तो कल को जब हमें प्यास लगे. नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं होता है. आप जिस फॉर्म में भी मदद करें आपके पास किस तरीके से लौट के आएगी नहीं पता. तो कई बार लोगों से कहता भी हूँ कि यार ना तो मेरे इतने फॉलोअर्स हैं कि मुझे बैक टू बैक इवेंट्स मिल जाएं या काम मिल जाए, या मैं 3 साल में नौकरी छोड़ के बैठा हूँ, मेरे पास काम ही है और मैं आज तक नौकरी पर नहीं गया. पर ये शायद वही है जो जिंदगी में लोगों की मदद की है, जो लोगों को अच्छा फील करवाया है, जो कई बार लोगों ने सर पे हाथ रख के कहा है कि नहीं यार तुम बहुत आगे जाओगे. वो क्या पता किसी की लग गई है दुआ. है ना, ये बहुत छोटी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं. आप हर बार नंबर्स में नहीं खेल पाएंगे. कई बार लोग आपको इसलिए भी काम देंगे क्योंकि आप इंसान अच्छे हैं. कि जब आप उनसे आखिरी बार मिले तो आपने बड़े अच्छे से बात की. कि आपने उनको पिछली बार संभाल लिया, उनको ऐसे वक्त पे समझा जब कोई नहीं समझ रहा था. कई बार लोग आपको इसलिए भी आगे बढ़ा देंगे. कई बार नहीं, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा बार होता है. हाँ. That you don't get paid after a while for your skill. क्योंकि skill तो बहुत लोगों में होता है उस लेवल पे.
बट हाउ आर यू विद पीपल, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द स्ट्रेस ऑफ दैट मोमेंट, द डिमांड्स ऑफ दैट मोमेंट, द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट मोमेंट एज एन आर्टिस्ट, एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, शायद लोग आपको उसी के लिए बुलाते हैं. हाँ, और क्योंकि वो कहते हैं ना कि पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू ट्रीटेड देम, स्पेशली व्हेन दे आर एट देयर लोएस्ट. अभी हम एक अमरावती गवर्नमेंट में गए थे तो वहाँ पे कुछ ऐसी हो गया था कि समथिंग हैपेंड, अ कियोस हैपेंड एंड दे कुडंट अलाउ मी टू परफॉर्म ऑन दैट पर्टिकुलर डे. मतलब कि सर आप दूसरे दिन कर लीजिए. मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, कर लेंगे, एक दिन और रुक जाएंगे, आप दूसरे दिन की टिकट निकाल दीजिए, कोई बात नहीं करते हैं. एंड दे वर सो इन ग्रैटिट्यूड कि नहीं हम, बिकॉज बाकी लोग नहीं माने थे. कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी? ये मेरी पहली कविता का जो वीडियो बना था उसके पहले था. तो अब कहते ना कि कविताएं कहाँ ढूंढते हैं आप लोग, तो ढूंढते नहीं है. कविताएं कई बार सामने पड़ी होती हैं और कोई चीज़ अचानक से आपको हिट करती है और आप उसमें से आर्ट निकाल लेते हो. सो आई रिमेंबर दिस कि मैंने एक स्टेशन पे, मैंने एक मिसिंग पोस्टर, तो हम सभी देखते हैं, तो मैंने एक आदमी को देखा था जो बार बार लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था कि लोग कहाँ जा रहे हैं, और उसके बाद वहाँ जाके वो एक पोस्टर लगा देता. मैं जब नज़दीक से देखा तो वो उसके अपने बेटे का पोस्टर था, 5 साल का जो बेटा था जो कहीं खो गया था. अब उसके पास फाइनेंसिस भी इतने लिमिटेड थे कि वो सिर्फ 50 या 60 पोस्टर्स बनवा पाए थे. एंड वो उसको उन जगहों पे लगा रहा था जहाँ पे लोग ज़्यादातर गुजर रहे हैं या देख रहे हैं उस पोस्टर को. सो हर बार जब लोग गुजरते तो वो उसकी जगह चेंज करता कि जहाँ से ज़्यादा लोग देख लें. एंड दैट रियली हिट मी कि यार ये कितनी मिसिंग पोस्टर, मतलब कितनी छोटी सी चीज़ है और कितनी बड़ी बात है उस शख्स के लिए जिसका कोई खो गया है. और मैंने वहाँ से वो एक कविता बनाई थी मिसिंग, एंड आई रिकॉर्डेड दैट. और फिर आज भी वो 5-6 साल हो गए उस कविता को, पर जहाँ भी कहीं भी किसी भी शहर में जाते हैं लोग उस एक कविता से मुझे याद रखते हैं. एंड दैट मेड मी रियलाइज कि आपका सबसे अच्छा आर्ट या जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आप क्रिएट करते हैं, वो उस स्पेस से कभी नहीं आता कि मुझे कुछ बड़ा बनना है. वो उस स्पेस से आएगा हमेशा से कि जब आपने कुछ बहुत बहुत ही दिल से कुछ महसूस किया है, आपको लगता है कि नहीं यार, अब आपने कुछ ऐसा देख लिया, महसूस कर लिया जो दुनिया के सामने आना चाहिए. एंड जब भी मैं नहीं लिख पाता हूँ, आई गो बैक टू दैट स्पेस कि अब जो मैं लिख रहा हूँ या लिखना चाहता हूँ, इज इट फ्रॉम दैट स्पेस कि मुझे नंबर्स चाहिए या अब कुछ रेलेवेंट लिखना है या मैंने कुछ महसूस कर लिया. सो दैट वन पोएम एंड यू नो द काइंड ऑफ, सुनाइए ना वो पोएम मिसिंग. हाँ, उसकी कुछ लाइनें जो हैं, मैं मतलब कि तो वो वहीं से शुरू होती है कि कैसे वो मिसिंग पोस्टर दिखाई देता है कि भागते हुए वक्त वो चेहरे ना मेरे अपने हैं, ना पराए हैं, ना रिश्ते हैं वो दूर के. हर शाम मुझे कुछ चेहरे बस देखते हैं घूर के. भागते हुए वक्त से हारती हुई जंग लड़ते हुए, स्टेशन गली मोहल्ले की सीढ़ियां उतरते हुए, एक हरे लाल नीले पोस्टर पर मेरी नजर जाती है और जाते ही बस ठहर जाती है. उसमें नजर आता है वो चेहरा, रंग गेहुआ, घुंघराले बाल, उम्र कुछ 10, 12 या 35 साल, या फिर किसी मासूम सा नजर जाने वाला अक्स वो, या फिर बुजुर्ग जैसा दिखाई देने वाला शख्स वो. नीचे लिखी होती है वो तारीख, या फिर उस शख्स का चेहरा जिसका ना कोई पता होता है. ये उस चेहरे की कहानी है जो बहुत हफ्तों से लापता होता है. सो वो मैंने कहा देगा. और फिर काश के हमारे जहन में कैद वो सारी तस्वीरें होती, काश की इतनी खुशकिस्मत हमारी तकदीरें होती, तो शायद हाजी अली के सिग्नल के पास बैठा वो लड़का जो तुम्हें पार बार चाय बिस्कुट के लिए सता रहा था, या स्टेशन पे मिला वो बुजुर्ग जो तुम्हें अपना ही पता बता रहा था, शायद वो मंगलसूत्र पहने लड़की न जाने कहाँ पहुँचने की होड़ में, या वो बहुत ही प्यारी सी बच्ची ना दिखने अपने जैसे ना दिखने वाली माँ की गोद में. उस वक्त हम अपने कारोबार में गुम तो कहीं थे, पर क्या पता ये सारे चेहरे वो तो नहीं थे. तो अगली बार मैं जानता हूँ तुम्हें चोट पहुँचाए, मेरे लफ्ज इतने सख्त नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास मेरी बातें सुनने का वक्त नहीं है, पर अगली बार अगर वक्त मिले तो कुछ देर ठहर कर देखना, उस पोस्टर को पढ़ना, उसे घूर कर देखना, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि उन्हें देखने समझने के लिए कुछ लोग के लिए कुछ वक्त के लिए कुछ लोग तो ठहरे, और क्या पता तुम में मेरी हम में से किसी की कोशिश से अपने घर में फिर पहुंच जाए वो चेहरे. माय गॉड, इतनी इतनी खूबसूरत आपने लिखी है ये कविता, बाप रे. मुझे आज भी वो उस पिता का चेहरा नहीं ढूंढता कि सोचिए आपने किसी को खो दिया है, आपके 5 साल का बच्चा जो हर गुजरते चेहरे में आपको अपना बच्चा दिखाई दे रहा है, पर आपका एक दिमाग ये भी सोच रहा है कि 85 पोस्टर है, अब इसे शहर में कहाँ कहाँ लगाऊं जो लोग देख लें. हम जिंदगी में कितनी छोटी छोटी लड़ाइयों को कितना बड़ा मान लेते हैं अपने सर में, और लाइफ की कितनी कितनी बड़ी लड़ाइयां कई लोग लड़ रहे हैं. हाँ, और वो हम उस स्पेस में रहते हैं कि हमने बहुत देख लिया, आपको नहीं पता कि जो
लोग अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, खो चुके हैं, उनकी जिंदगी से क्या क्या चला गया है। हमने अपने गम को इतना बड़ा बना लिया होता है कि हमें लगता है कि इससे बुरा तो कुछ है नहीं, पर आप जब दुनिया देखें तो आपको पता चलता है कि आपको तो बहुत संभाल लिया गया है। सो ये वो एक लाइफ चेंजिंग कविता थी मेरे लिए, और मैं आज भी कहीं जाता हूँ तो सर कहते हैं सर वो मिसिंग वाली कविता, वो मिसिंग वाली, एंड आई रियलाइज कि दे डोंट वांट टू लिसन टू दे कनेक्टेड टू दैट वेरी थॉट ऑफ इट। आपकी जिंदगी में जब भी आप सक्सेसफुल होना चाहें तो वो, या एक्टिंग हो या एंकरिंग हो या पोइट्री हो या कोई भी चीज़ हो, आपका सबसे प्योरेस्ट काम वही होगा जो उस स्पेस से तो बिल्कुल नहीं आया कि आपको मशहूर होना था, आपको बस दुनिया को पकड़ के बस कोई एक बात सुनानी थी, आपको बताना था कि सुनो मैं ये चीज़ कहता हूँ, इसके बाद शायद मुझे जिंदगी भर नहीं भी सुनो चलेगा। दैट्स वेयर द प्योरिटी ऑफ द आर्ट कम्स फ्रॉम, एंड फिर हम जिंदगी भर उससे काम की नकल कर रहे होते हैं। राइट, आर्ट हैज दिस पावर टू जस्ट मूव यू एंड शेक योर सोल। और आपके जैसे जो कमाल के आर्टिस्ट हैं, जो मतलब जो चीज़ें हम फील कर रहे होते हैं लेकिन शायद हम उन्हें शब्द नहीं दे सकते हैं, बट यू पीपल लाइक यू हैव सच इनक्रेडिबल टैलेंट ऑफ गिविंग इट दोज वर्ड्स एंड जस्ट प्रेजेंटिंग इट इन फ्रंट ऑफ अस। कई बार कविताएं कहां, लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि कविताएं निकलती कहां से, मतलब क्या क्या, मैं कहता हूं यार ट्रेजर इज वेयर योर हार्ट इज, कोई एक चीज जो आपको रुला दे अंदर से और तो वही आपके अंदर से आर्ट निकाल सकती है। करेक्ट। अभी पोस्टर वाली चीज हुई तो एक दिन मैं बहुत तंग आ गया था, मतलब कि गाँव की बड़ी याद आ गई थी मेरी, तो हम जो शहर में रहने वाले लोग हैं हमने अपने गाँव के बारे में दादी से सुना है। तो मैंने गूगल मैप्स ले लिया और फिर गूगल मैप्स में जूम करते करते चला गया कि मेरा गांव आज कैसा दिखता होगा। तो मैंने जूम करते करते मैं पहुंचा वहां पे और मैंने उस दिन वो कविता लिखी गूगल पर गाँव। मैं जब भी मैं मुझे ऐसी महफिल मिलती जहां बूढ़े लोग बैठे हुए हैं तो मैं वो कविता सुनाता हूं गूगल पर गाँव, तो वो बड़ा लोगों को टच कर जाता है। तो मैंने उसमें वही लाइनें लिखी थी कि गूगल पर गाँव ढूंढते ढूंढते, तो मैंने जब जूम करना शुरू किया तो मुझे क्या क्या दिखाई दिया कि कच्चे पथरीले से रास्तों से होते हुए पीपल की छांव में ले गया मुझे मेरा गूगल, मेरे गांव में ले गया। तो जहां कच्चे पक्के ईंटों के बने हुए मकान, जहां से बिस्कुट चुरा के खाई थी वो चाचा की दुकान, गांव की वो छत जहां आम के अचार सूखते थे, वो स्कूल के नाम पे बने खंडक जो बन के बार बार टूटते थे, वो तालाब भी नजर आए जिसमें फवारे नहीं थे, वो खेत भी दिखाई दिया जो हमारे नहीं थे, खेतों के बीच में लकड़ियों का मचान नजर आया मुझे, कच्ची पक्की ईंटों का वो मकान नजर आया, वो मकान जिसे बनाने में बहुत कर्जा लगा था, जिसको बनाने में बहुत कर्जा लगा था और बनाने के बाद बाबूजी को ऐसा लगा था कि उन्होंने बुढ़ापे में रहने के इंतज़ाम कर दिए हैं, हमें वो दादी माफ़ कैसे करेंगी कि जिसकी ज़मीनें बेच के हमने शहर में मकान कर दिए। वो दादी जो तुम्हें लगता था कि गर्मी की जो मनी ऑर्डर पर निगाह रखती थी, अरे वो पगली तो तुम्हारी गर्मी की छुट्टियों की चाह रखती थी। सो वो कई बार हम कई बार लिख के भी या क्रिएट करके भी सोचते हैं कि यार ये कैसे बन गया, एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज, जब आप अपने सबसे अच्छे काम को देखते हैं और जब आप उसके प्रोसेस के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार आप तो बस एक मीडियम थे ना, आपकी आपकी वाकत थी ना, आप उस लेवल पर हैं कि आप ऐसा कुछ लिख पाए, वो कुछ चीज़ें थी, कुछ डिविनिटी हुई और आप जरिया बने उस वक्त और आपने वो क्रिएट कर दिया। या कभी कभी जिंदगी में ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपको इतना सरप्राइज कर देती हैं कि यार ये कैसे हो गया, ये मैंने कैसे पुल ऑफ कर लिया, ये मैंने कैसे पुल ऑफ कर लिया। या ये मौके मुझे लगता है हम आर्टिस्ट की जिंदगी में, और मुझे लगता है सबकी जिंदगी में आते हैं अगर आप उन्हें थोड़ा सा जूम इन करके देखें। हम लोग ना बड़े जूम आउट मोड में चलते हैं। जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज भी होते हैं, मैं तो कहता हूं यार 9 टू 5 को लोगों ने इतना अंडररेट कर दिया कि भाई 9 से 5 जिएगा तो जिंदगी खराब होगी तुम्हारी, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, जबकि लोग उसमें भी करिश्मा करके दिखा रहे हैं यार। करेक्ट। बेचारा जो 9 टू 5 एमएनसी कंपनी में जा रहा है जॉब कर रहा है, क्या पता अपने खानदान से पहला लड़का है जो इतनी महंगी बिल्डिंग में काम कर रहा है, जिसको हर महीने 35,000 रुपये मिले, उसके खानदान में जो अब तक जो यू नो जनरेशन लीनेज रह चुकी है, किसी ने 10,000 से ज्यादा कमाई नहीं है, कोई लिफ्ट वाली बिल्डिंग में गया ही नहीं है, किसी को लेने गाड़ियाँ आती ही नहीं थी, पर और उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो जहाँ से भी निकला आज वो अपना घर कर पाया, EMI पे एक ऐसे फ्लैट में रह रहा है जिसकी EMI ही उतनी है जितने उसके माँ बाप की एक साल की कमाई थी। तो सब तो बड़े होते हैं, हम सब ने अपनी जिंदगी में करिश्मे करके रखे हुए हैं, बस हम उसको अंडरग्रेड कर देते हैं। वही ना, हम इतना जूम आउट के मोड में जी रहे होते हैं कि हम जूम इन करके देख नहीं पाते कि मेरे आसपास कितनी सारी चीज़ें मेरे लिए चल रही हैं और मुझे संभाल रही हैं। हाँ, हम कितने संभले हुए हैं, हमें कहाँ कहाँ बचा लिया गया है। मैं तो उस फिलॉसफी पे जीता हूँ कि कई बार कि वो कहते हैं ना कि कुछ बुरा हुआ था यार क्या पता इससे बुरा होने वाला था, पर ये बड़ा बैकफायर भी कर देता है। मैं जितने बार ऐसे आसमान में देख के कहता हूँ ना कि यार यहाँ तो बच गए,
क्या पता इससे बुरा भी हो, तो भगवान उसको ओपन चैलेंज की तरह देखते हैं कि चलो कि अच्छा अगला महीना और अच्छा difficult. तो तेरी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया और तू कह रहा है कि इससे बुरा क्या हो सकता है, तो पेट्रोल भगा तो सही, तब तुझे पता चलेगा कि तेरा टायर भी बच जाए बट देन वो आप नहीं जानते आप कितनी चीजों से बचा लिए गए हैं, है ना। हम कई बार उसी चीज में जी रहे होते हैं कि याद हो बर्बाद हो गए, तुम बर्बाद नहीं, तुम खत्म होने वाले थे आज तुम बच गए, तुम्हें बहुत सस्ते में निपटा दिया गया। ये ग्रैटिट्यूड की फीलिंग अपनी लाइफ में लेकर आना बहुत मुझे लगता है जरूरी है, ये आपको जिंदगी में जीने की एक उम्मीद, एक आस और एक नजरिया दे देती है। हाँ मैं वही सोचता हूँ कि कई बार अब जैसे बीइंग अ क्रिएटर आप हमेशा नंबर्स के साथ ऑब्सेस्ड रहते हो कि और वो रहता भी कि यार क्योंकि आपको मैंने पता बहुत है, मुश्किल से सीखा ये चीज, आपने कितनी जान डाल दी है उस चीज को बनाने में आप ही जानते हो, एंड नॉट बिकॉज यू वॉन्ट टू बी फेमस, आपको पता है कि आपने कुछ ऐसा बना दिया जो बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए, है ना, और वो नंबर्स के साथ क्रेज और ऑब्जेशन तो कहता ही है। बट देन वन फाइन डे आई गेट अ डीएम फ्रॉम समवन इन बनारस जो बेचारा कहीं बैठा हुआ है कि भैया ये देखे ना हमने कविता लिखी है पिछले रात, और मैं वो कविता पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ कि भाई साहब, और उसने कविता जहाँ लिखी है उसके पीछे ही उसने घर खर्च लिखा हुआ है, डायरी में दिखाई दे रहा है, इस तरफ घर खर्च है, इस तरफ कविता है, और ये वो कविता है जो अगर मेन स्ट्रीम में आ जाए, जो कहीं पर अच्छे प्लेटफॉर्म में पढ़ दे और वायरल हो जाए, तो यार हम सबके इवेंट्स खा जाए लड़का। और हम यहाँ मुंबई में बैठे हैं जिसको प्रिविलेज है कि कल जाके कविता परफॉर्म कर सकते हैं, रिकॉर्ड हो जाएगी, यूट्यूब पे आ जाएगी। सो वो ग्रैटिट्यूड तब आता है जब आप कहीं देखते हैं कि आपको नहीं पता कि आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो कई लोगों के लिए ख्वाब है, कि लोग इतना जो आप कर पा रही हैं रोज या कब मैं कर पा रहा हूँ वो लोग उतना सा ही करके पूरी जिंदगी फिर बने कि हमने ये कर लिया। हम तो कई बार लोग कहते हैं कि भैया एक बार मुंबई आएंगे हमारा एक वीडियो करा देंगे आप, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस कहीं पर हमारा एक वीडियो आ जाए, जो कि मुंबई में बहुत आसान सी बात है, पर लोगों के लिए वो आपके ख्वाब का एक हिस्सा जीना भी बहुत बड़ी बात है। सो मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स एस्पिरेशन होना चाहिए, वो तो चाहिए आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो कई बार रोज उठे हैं और शुक्रगुजार हूँ कि आप ये जी पा रहे हैं जो आप जी पा रहे हैं। कई लोग बस रोज क्या पता जो आप जी पा रहे हैं लोग उसे अपनी डायरी में लिखते होंगे कि एक दिन उन्हें ये जीना है। Thank you for watching the clips. Watch the full video from the link in the description box. If you like our videos and content, make the comment section your friend. Don't forget to subscribe and hit the bell icon. We will meet you in our next episode. Till then, master your inner world with The Journey Within by Shobha Rana.